हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच माइट बी आस्क बाय UPSC, जो UPSC एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ऑप्शंस आर ए ओडिशा, बी झारखंड, सी सिक्किम एंड डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिक्किम। याद रखिए, सिक्किम ऐसे स्कीम्स, ऐसी जो योजनाएं हैं, वह सिक्किम गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अर्थात समावेशी विकास को उद्देश्य में रखते हुए यह जो स्कीम है वह लाया। और इस स्कीम के अलावा सिक्किम राज्य ऐसे महत्वपूर्ण स्कीम्स लाते रहता है जो जनता के लिए, देश के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। जैसे आप जैविक कृषि पे देख लो, चाहे वह ट्रीज़ को गोद लेने के बारे में है, या फिर भाई बहन मानने के बारे में है, या फिर यह स्कीम। तो ऐसे बहुत सारी स्कीमें जो सिक्किम गवर्नमेंट लाती रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है सिक्किम। आप इसे जरूर नोट कीजिए और यह UPSC के साथ साथ वेरियस स्टेट PCS में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट, इट इज़ डन ऑन लार्ज फार्म्स। सेकेंड, अ लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड मशीनरी इज रिक्वायर्ड। थर्ड, इट इज़ प्रैक्टिस इन डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो हमारे ऑप्शंस है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी ऑल ऑफ द अबो, डी नन ऑफ द अबो। तो पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये लार्ज फार्म्स, बड़ी कृषि भूमि पर इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, यह छोटी कृषि भूमि पर प्रयोग किया जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। जहाँ भी आपको फर्स्ट दिखे आप उसे क्रॉस कर दीजिए। तो ऑप्शन ए और सी सीधे सीधे कट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, अ लॉट ऑफ मैकेनाइजेशन एंड मशीनरी इज रिक्वायर्ड। तो यह भी गलत है। और जो थर्ड है, किसमें कहा गया कि यह विकसित देशों, डेवलप कंट्रीज में यह प्रचलित है। नहीं, यह डेवलपिंग कंट्रीज में प्रचलित है, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ मशीनरी जो है, सुविधाएं जो हैं वह कम हैं। तो ऐसे देशों में इसका प्रचलन है। ये जो खेती होती है, यह जो एक सिस्टम है, यह जो प्रणाली है, यह जो एक फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जनसंख्या जो है वह छोटे से कृषि भूमि पर काम करती है, जिससे क्या होता है, देश की जो GDP है वह कम तो होती है, लेकिन यांत्रिक सुविधा नहीं होने के कारण, अच्छी फसल बीज और अन्य जो भी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण फसल उत्पादन कम होता है। तो इसमें एक जो यह जो नीति है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, तो इसमें एक छोटी भूमि पर काफ़ी लोग काम करते हैं, जिसका आउटपुट देश को या उन लोगों को ही नहीं मिल पाता, और इसमें जो पैदावार होता है वह केवल उनके लिए ही हो पाता है। अर्थात वह अपनी ज़रूरतों के लिए ही खाली पैदावार कर पाते हैं, बाकी उसे बेचने के लिए वह कर ही नहीं पाते। तो यह भी उनके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो याद रखिए, यह जो फार्मिंग होता है वह छोटी भूमि पर होता है, कम लोगों के द्वारा, सॉरी ज़्यादा लोगों के द्वारा एक छोटी भूमि पर कार्य किया जाता है। तीसरा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में किया जाता है, और इसमें जो आउटपुट है वो बहुत कम होता है, फसल उत्पादन काफ़ी कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबो। हमारे सभी स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें कुछ जगह हैं जो न्यूज़ में आए दिन रहते हैं, और ये पिछले 1-2 साल से काफ़ी न्यूज़ में, तो इसलिए उन जगहों का नाम है, उन शहरों का नाम है, और वह और जो दूसरा है उनके सामने देश है कि उस देश में वह हैं, स्थित हैं। तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला है बुडापेस्ट,
इसमें कहा गया बुडापेस्ट हंगरी में है, सेकंड अलेप्पो इराक में है, थर्ड मोसुल ईरान में है और फोर्थ डमस्कस सीरिया में। और इसमें हमें जो करेक्टली मैच पेयर्स है उनको सिलेक्ट करना है। तो हमारे स्टेटमेंट सॉरी हमारे जो ऑप्शंस है वह ए 2, 3 एंड 4, बी 1 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4, डी 1, 2 एंड 3। तो बुडापेस्ट यह जो है वह हंगरी की राजधानी है, तो पहला सही है। तो अब जहाँ जहाँ फर्स्ट है वो आप देख लीजिए, फर्स्ट ए ऑप्शन में नहीं है तो ए ऑप्शन यहीं कट जाता है। सेकंड अलेप्पो इराक में है, ऐसा ही इस क्वेश्चन में बताया गया है, नहीं अलेप्पो जो है वह सीरिया में है। तो अलेप्पो सेकंड है, तो सेकंड जहाँ जहाँ आपको दिखे कट कर दीजिए। तो ए सी डी तीनों में सेकंड दिया हो गया है, तो आपको सीधे सीधे आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आगे हमारा सही है कि गलत है, सीधे सीधे आपको आंसर ऑप्शन बी मिल जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 1 एंड 4 वह हमारा सही है, लेकिन हम फिर भी देख रहे थे मोसुल, मोसुल यह ईरान में नहीं, मोसुल यह इराक में है और दमस्कस सीरिया में ही है। तो 1 एंड 4 हमारे सही हैं और 2 एंड 3 गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 1 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू हंगरी। स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, सेकेंड रिवर डेन्यूब फ्लोज थ्रू हंगरी, थर्ड द ग्रास लैंड बायोम फाउंड इन हंगरी इज नोन एज पुत्सा, चूज द अप्रोप्रिएट कोड। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं। हमारे ऑप्शंस है ए 1 एंड 2, बी 1 ओनली, सी 2 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव और से 1, 2 एंड 3। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है उसमें कहा गया कि हंगरी यह स्थल रुद्र देश है, लैंड लॉक कंट्री है, तो यह सही है। आप मैप में देख लीजिए हंगरी जो है यह वर्ल्ड वॉर टू के पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका विभाजन हुआ, ऑस्ट्रिया अलग हुआ, हंगरी अलग हुआ। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं और हंगरी जो है वह स्थल रुद्र देश है। सेकेंड कहा गया है कि इस देश से डेन्यूब नदी बहती है, जो कि सही है। डेन्यूब बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी वहाँ से बहती है, और ये जो डेन्यूब रिवर है वह कुल 4 से 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि डेन्यूब रिवर, स्टेटमेंट में दे देगा कि डेन्यूब रिवर 4 देशों की राजधानी से बह के जाती है, जो कि सही है। और वह देश कौन कौन से हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वह जो देश है जहाँ जिनकी राजधानी से बहती है वह पहला है यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से बहती है, दूसरा तो है हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है बुडापेस्ट से बहती है, तीसरा है बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी, और चौथा है बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी। तो बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, इन 4 राजधानियों से यह नदी बहती है। नेक्स्ट है द ग्रासलैंड बायोम फाउंड इन हंगरी इज नोन एज पुत्सा, जो कि सही है। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट है वह सही है, और ग्रासलैंड बायोम के बारे में आप एनवायरनमेंट सेक्शन साथ ही ज्योग्राफी के सेक्शन दोनों में आप पढ़ लीजिए। बहुत सारे बायोम्स के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्री हो। तो जैसे प्रेरी है, प्रेरी कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में होता है, उसी तरह पंपास साउथ अमेरिका में, वेल्स साउथ अफ्रीका में होता है। तो वैसे ही हंगरी में जो प्रेरी टाइप के जो ग्रासलैंड बायोम है उसको पुत्सा कहते हैं, तो यह भी आप जान लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में लोकेशन दे देगा और वहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड बायोम पाया जाता है उसके नाम दे देंगे और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दी अबो। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेनो बेलेना फियॉर्ड लोकेटेड। तो लोकेशन के बारे में यूपीएससी पूछते आई है, और ऐसे लोकेशन के बारे में पूछती जो पिछले 1-2 साल में न्यूज़ में रहे हो अपने यूनिकनेस के लिए, या फिर अगर वो न्यूज़ में ज़्यादा है उसके लिए भी।
तो हमारे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। तो ए स्कैंडिनेविया, बी पेटागोनिया, सी फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रशिया एंड डी न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पेटागोनिया। पेटागोनिया ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है उसमें आपको एकदम साउथ में मिलेगा। तो आप एक बार मैप में नज़र डाल लीजिए तो सेनो बेलेना फियॉर्ड यह चिली में स्थित है, और आप मैप में देख सकते हैं जो ग्रे में दिख रहा है वहाँ पे आपको ब्लू में सेनो बेलेना फियॉर्ड के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है। तो यह क्यों न्यूज़ में था? तो हाल ही में चिली की एक यूनिवर्सिटी है, उसके रिसर्चर्स जो वहाँ के शोधकर्ता हैं, जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स जो हैं वह यहाँ पे शोध करने गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्योर्ड पे जो भी बर्फ़ है वह पिघल रही है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं इस इलाके में, और इस इलाके से पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ रहा है जलवायु तापन का, उस पर यह अध्ययन करने आए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए यह न्यूज़ में। तो आप यह जो लोकेशन है यह आप ज़रूर याद रखिए। और सेनो बेलेना फियॉर्ड, इसके बारे में दूसरे तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन रहेगा वेयर इज़ सेनो बेलेना फियॉर्ड लोकेटेड, तो उसमें आपको ऐसे क्षेत्र नहीं पूछा रहेगा। जैसे स्कैंडिनेविया एक क्षेत्र, स्कैंडिनेविया में नॉर्वे आ जाता है, फिनलैंड होता है, तो ऐसे। लेकिन कैसे पूछेगा? वो देश वाइज पूछ लेगा। तो ऑप्शन में दे देगा ए पेरू, बी ब्राज़ील, सी चिली, डी अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ही है, लेकिन है कहाँ पे? यह चिली में स्थित है, यह आप ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन यहीं समाप्त होता है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।